खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। वाहरे ट्रैफिक पुलिस बाइक के साथ युवक को भी क्रेन से उठा लिया। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही है और ट्रैफिक कर्मचारियों की लोग जो है वो काफी ज्यादा थू थू कर रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने महाराष्ट्र के पूना से आ रहा है। महाराष्ट्र के पूना से एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पे ट्रैफिक कर्मचारियों के ऊपर काफी ज्यादा भड़क गए हैं। बताया जा रहा है कि इस फोटो में क्रेन, एक्चुअली में जैसे कि आप लोग को पता है कि ट्रैफिक कर्मचारी जो है वो ट्रक लेके आते हैं, उसी दौरान ही उनके ट्रक में क्रेन भी लगी होती है। अगर कोई भी जो कि गाड़ी है नो पार्किंग में या कुछ ऐसी गलत जगहों पे लगी हो, उसके कारण उस गाड़ी को उठा लिया जाता है और फिर उसके बाद शख्स को पुलिस स्टेशन जाके उसका चालान भुगतान करके अपनी गाड़ी छुड़वानी पड़ती है। इसी दौरान ही आज हमारे सामने ऐसा ही मामला जो है महाराष्ट्र के पूना से आ रहा है, जहां पर एक युवक की तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है। एग्जैक्ट ये जो पूरा मामला है नानापेठ इलाके का है। गुरुवार शाम को ये सब चीजें हुआ 5 बजे के करीब, जहां पर एक लड़का जो है उसका बाइक जो है वो ट्रैफिक कर्मचारियों ने क्रेन के सहारे उठा लिया। हालांकि बाइक उठाना था, उसी के साथ उन्होंने युवक को भी उठा लिया और इस दौरान ही युवक जो है वो बार बार ये चीज बोलता रहा, सर मेरा चालान मत काटिए, मैंने यहाँ पर नो पार्किंग में एक्चुअली मैं पार्क नहीं किया, मैं वहीं पर खड़ा था और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। जिसके कारण वहां पर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी और उस दौरान ही वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने इस युवक की सहायता करते वक्त उस ट्रैफिक कर्मचारी को यही बात बोली कि वो एक्चुअली में यहाँ पर पार्किंग नहीं लगा रहा था, जिसके कारण पुलिस कर्मचारियों ने लोगों से भी काफी ज्यादा बदतमीजी की। इसी दौरान इसकी फोटो जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि जब वहां के ट्रैफिक कर्मचारियों से बात की गई तब उन्होंने ये चीज बताया है, वहां के डीसीपी राहुल श्रीराम से जब बात की गई तब उन्होंने ये चीज बताया है कि युवक जो है वो नो पार्किंग में बाइक लगा के गया हुआ था और इस दौरान ही वहां पर जो है वो जो कांस्टेबल है, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने बाइक उठाया और 460 रुपए का उसका चालान लगाया। और इसी दौरान ही वहां पर युवक जो है जैसे उसने देखा कि उसका बाइक आ रहा है और वो कूद के इसके ऊपर चढ़ गया और बार बार यही बोलने लग गया कि उसकी बाइक को नीचे उतारो और इसी दौरान ही वो उसको भी नीचे उतारो और उसकी बाइक को भी नीचे उतारो। हालांकि वहां पर उसकी एक भी ना सुनी और इसी दौरान ही काफी सारे लोगों ने विरोध भी किया, पर वहां पर लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों ने बदतमीजी भी काफी ज्यादा की। इस दौरान सोशल मीडिया पे ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और लोगों का कहना ये है कि महाराष्ट्र के पूना में जहां पर ये घटना हुई है वहां पर एक्चुअली में नानापेठ में ट्रैफिक कर्मचारियों का काफी ज्यादा हाहाकार है। वो अपनी धोस काफी ज्यादा जमाते हैं और किसी का भी चालान काट के चले जाते हैं। उनके ऊपर काफी ज्यादा कंप्लेंट्स जो है वो आ रही हैं लोगों द्वारा। अभी वहां के जो उच्च अधिकारी हैं उनका कहना ये है कि इस केस के ऊपर अभी नजर डाली जाएगी और देखा जाएगा कि आखिरकार कौन गलत है और कौन सही है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।